तो दोस्तों ये देखिए इतना सारा गिफ्ट है मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजी है। दोस्तों अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पर के 2 बज रहे हैं एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में सिंचाई करने के लिए। तो भाई साहब यहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, फिर बाल ले लेते हैं। खुश रहा बाबू, खूब सुखी रहा, खूब तोहर लम्बा उम्र होखा। भाई साहब अभी तुरंत वीडियो वगैरह डाले हैं, फिर घर का भी काम देखना होता है तो इसे सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। एक भाई आए हैं तो हम लोग सब तीनों लोग मिलकर लेकर जाएंगे खेत में। ये देखिए इधर है वाटर पंप। आ चुके हम लोग खेत में, एकदम पसीना पसीना हो चुका है, एकदम बहुत दूर से गाइस हम लोग आ रहे हैं। बगीचा दिख रहा है उधर, हालत तो खराब हो चुका है, सोचे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें। खेत में आ चुके हैं, इधर देखिए वाटर पंप लेकर आ चुके, बहुत दूर से आए भाई साहब। और यहाँ दादाजी हैं, दादाजी को दिखाई नहीं देता फिर भी अंदाज से ढकेलते लाए हैं। नहीं दादाजी ढकलवा लाए हैं। हाँ देखिए किसको को खोजे जाके ला लोग के, समझ ही सकते हैं गाइस, खुद मेहनत करना होता है। और देखिए इधर मम्मी है, इधर बाबू और मम्मी के सहेली, सब लोग मिल के हम लोग लेकर आए हैं एक इंजन को लेकर। 1, 2, 3 मतलब कितने लोग हैं? 6 लोग लेकर आए हैं, छोटा बड़ा 6 लोग। हाँ भाई इंजन भी देखिए कितना बड़ा है, उतर जाओ बाबू गिर जाओगे, उतर जाओ। और एक यूट्यूबर का जिंदगी देखिए, खेत में रहिए कहाँ भी रहिए अपना सेटअप लेकर चलना होता है। सरसों का खेती देख लीजिए, सरसों किस तरह हुआ है। और दादाजी चाय बनाने के लिए लकड़ी लिए हैं, देखिए दादाजी को लेकर चलना पड़ता है ऐसे। और देखिए हरा हरा दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई, इसका मजा आएगा घूमने में कहीं नहीं है। नहीं दादाजी अब आए, हाँ हरियाली भाई साहब, और गेहूँ पैदा होगा बहुत जल्द, 2-3 महीना लगता है दादाजी, अप्रैल में हो जाए, अप्रैल में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देखिए आराम 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 से काटा है, तो चलते हैं फटाफट घर। देखिए पीला पीला सरसों जैसे कि लागे खेतवा में। तो गाइस अभी बंदर आ चुके हैं सब, देखिए घर आते हैं। अंगिरा जी परोटी चाय नमकीन बना दी हमारे लिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे के। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रही हूं, इधर मेरे हस्बैंड जी, इनका भी नमस्ते जी। खुश रहिए खुश रहिए। देखिए बाल उल कैसे करके सोई थी अभी, और आते परोटी चाय बना दी है, दीजिए खाते पीते हैं। जिसको जिसको खाना आकर मेरे घर चाय परोटी और चिवड़ा भुजे आकर खा लीजिए। तो गाइस अभी भाभी का पेट दर्द कर रहा था, ऐसे रो रही थी, प्रेगनेंसी में इनको दिक्कत हो रहा। और यहाँ आ चुका हमारा बाबू, और देखिए मम्मी जी दोस्तों अभी गैलन वैलन लेकर आ रही है, पानी जाएगा ना सुबह इसमें, क्या है उसमें, उतारिए अंगिरा उधर है, जल्दी जल्दी उतरवाइए। हम जा रहे थे बाजार, अंगिरा देखो सोई थी, लग रहा है इसका तबीयत खराब है, दो लोग मिल के उठा रहे हैं, ताकत नहीं अंगिरा के शरीर में, उठा लीजिए अंगिरा उठवाइए। झोला ले चुका हूँ और निकल रहा हूँ मार्केट के लिए, जा रहे थे मार्केट एंड दादाजी और भैया जी जा रहे हैं, दादाजी को आधी ले लिया ना दादाजी, क्योंकि अकेले घोट पे चाय बनाते रहते हैं, आधी ले लिया चाय के। हाँ तो भैया भी जा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं बाजार उजार कर। तो भाई साहब देखिए आप लोग, ऐसे मार्केट लगता है, बहुत ही ज्यादा भीड़ लगता है, हर संडे को लगता है मेरे गाँव। 4 किलो प्याज दे दीजिए, 4 किलो 4 किलो 10 रुपये किलो भैया, 20 रुपये हम भाई साहब गोभी अढ़ाई किलो, गरम गरम अभी जलेबी ले रहे हैं भैया जी, कितना ले तला भैया, दे दिया था भैया, एक पा दे दिया था, गरम दे दिया भैया। बाजार करने में मजा ही अलग आता है भाई, गांव में जो होती है ना एकदम मस्त होती है भाई। देखिए कितना ज्यादा भीड़ लगा है एकदम, यहाँ से भी हम मसाला ले रहे हैं, बना दीजिए सर जी बढ़िया, तैयार करके आ चुके हैं जी। क्या क्या लाए हैं? आलू गोभी भैया के साथ भेज दिए हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं, देखो इसमें टमाटर है, टमाटर है और प्याज वाज है, मसाला है। हाँ, अच्छा सब लाए हैं दोस्तों, यहाँ भैया जी खड़े हैं, मम्मी अभी बाबू को लेकर बैठी हैं, दादाजी आग सेक रहे हैं, चलते हैं हम और आप खाना बनाया जाए। आज खाना हम बनाइए दाल भात सब्जी और चटनी। हाँ चटनी नहीं थी, सब्जी बनाओ आलू गोभी का, चटनी नहीं बनेगा, चटनी नहीं बनेगा। हाँ चटनी बनाइएगा, धनिया की पत्ती का मजा आ जाता खाने में। अब कितना बहुत बाजार है। हाँ और गोभी इतना सस्ता है भाई, तो सोचे हैं कि ला देते हैं, बहुत दिक्कत होता है। हाँ 10 रुपये में 2.5 किलो अच्छे से बनाएंगे। हाँ भाभी जी यहाँ है, भाभी जी पुतिया उतिया दिया लग रहा है। हाँ और दोस्तों ये देखिए बर्तन लोग रेडी कर दिए हैं, यहाँ पोतिया दी है, मम्मी जी लकड़ी लाई है, तो हम भाभी जी लकड़ी तोड़ रहे हैं खाना बनाने के लिए, आग बारने के लिए। भाभी जी देखिए यहाँ पर तोड़ रहे हैं, मम्मी जी साथ में है।
ये कह रही है कि मोटा लकड़ी नहीं है, पतला पतला है, जल्दी से जर जाएगा। इतना सारा लकड़ी भाभी जी और हम तोड़ कर रख दिए यहाँ पर सावधान का। क्या दादाजी को बुला रही हैं तोड़ने के लिए, पेट दर्द करने लगे। भाभी जी प्रेगनेंसी है तो 5 महीने से ऊपर हो गया, 6 महीने हो गया तो बोल रही है कि पेट दर्द करने लगा तोड़ने पर, और दादाजी को बुला दीजिए तोड़ने के लिए। आए मेनहा सना तोड़ा, छोड़ता छोड़ता छोड़ता, पेट दर्द लगी करे, छोड़ा पेट दर्द नतुरा तू नतुरा, जांगर लगा पूरी ना तो पेट दर्द लगी करे। हाँ हाँ पे, पेट लगी दर्द करे है, तुरबू जांगर लगा के पेट दर्द लगी करे। डांस कर रहे हैं कैसे हेड होकर। अच्छा अंगिरा जी, मम्मी जी का एक्टिंग बता रही हैं। नहीं जो गाना गाई हैं जे ससुर भसुर के संग लाज में था ऐसे। अच्छा, हम करी हैं तो वो बता रहे हैं। अच्छा जो रील्स बना था हम लोग का। आज सुनो तोरे सुनो सुना तोहरे 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 भाई तारे छोटू भैया के शादी होई त माटी कोड़ाए जाई त के तरे गीत गईबू के तरे गईबू हे तारे। हमारी प्यारी प्यारी बिटिया बहुएं बता रही हैं कि जैसे हम लोग माटी कोड़ने जाती हैं तो खुशहाली में जो गाली वाली हम लोग गाती हैं तो कह रही हैं कि हम ऐसी 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 कैसी बता कैसी गाली गाओगी बता दो। हमारे घर का प्यार, हम लोग छोटे से परिवार में रहते हैं और ऐसे हम लोग का प्यार हमेशा। लकड़ी उठा रहे हैं तो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मजा आता है लकड़ी पर खाना बनाना, अच्छा लगता है। आज भी सेको लकड़ी के पर खाना भी बनाए। मम्मी जी फोन से बात कर रही है तो नहीं कहा जाता है, दीदी का फोन है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल रहे हैं, पेट में दर्द आ रहा है। बोल रहे हैं उस घर में नहीं जाएंगे, इससे भूत रहते अरे हैं तो भाभी जी नहीं जाती है। अच्छा पानी हाँ बढ़िया रहेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ बोले मर्चा बू कर पहनेंगे तो भूत नहीं आएगा, भाग जाएगा। हाँ भाग जाएगा, भाभी से पूछ लीजिए भूत खरीदने का। भाई केवाड़ी बंद रहेगा तो भूत नहीं आएगा। कहीं मम्मी जी सोएंगी बाबू जी सोएंगे तो नहीं आएगा। और ये हमारे हस्बैंड जी को चोट लगा है ऐसे भैया को तो बहुत तकलीफ में है। कितना पानी रहता है सब जला देते हैं, आग में सब सध जाता है। देख रहा हूँ कि पर जल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए इतना सारा गीत है मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजी है। दोस्तों अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए भाई साहब अंगिरा जी का गिफ्ट क्या है भाई, ये देखिए कुर्ती है। आप लोग बोल रहे थे कि साड़ी छोड़वा दीजिए तो हम लोग साड़ी अंगिरा जी के लिए छोड़वाएंगे। तो ये भी कभी कभी पहनी रहेंगी, जानते हैं गांव में थोड़ा बहुत दिक्कत होता रहता है। मम्मी भी लिए, ये देखिए डब्बा, मम्मी इसका डब्बा पकड़ी है, दादी पकड़ी है। इसमें सब हम लोग मंगाए हैं और कहाँ गया क्या वाला डिब्बा में। और दोस्तों इसमें देखिए हम लोग मंगाए हैं, ये देखिए एक गैस है, बताएंगे हम लोग आगे पता चलेगा कि गैस किस लिए मंगाए हैं हम लोग। एक गैस है ना, गैस है, इसको जलाकर हम लोग दिखाएंगे दूसरी चीजें में। खुश है नंगीरा जी? बहुत ज्यादा खुश है, तो बहुत प्यारा है। और ये देखिए ये भाभी जी को दे दीजिएगा इनको, ठीक है? हाँ भाभी को दे देंगे। हाँ उनको दे दीजिए, खुश हो जाएंगी अभी। लीजिए भाभी जी, एकदम मस्त है। कैसा है कहीं बहुत अच्छा लगेगा, कपड़ा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज हम लोग यही वीडियो बनाए, सोचे आप लोग को दिखा दें, जो भी छोटा बहुत खुशी आता है तो आप लोग के लिए हम लोग दिखाएंगे। बढ़िया है, मस्त है। हाँ, तो बाकी आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट दीजिए, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अभी खेत में काम उम कर रहे हैं, देखिए पूरा कचरा उचरा लगा भी है और वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, सब चीज करना पड़ रहा है। बाकी आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट देते रहिए। नमस्ते प्रणाम जय हिंद, लव यू।